नमस्ते सत श्री अकाल केम छो का सकाय के मना छो वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो अभी हम लोग है चरी घाटी में और हमारे साथ देख सकते हैं हमारे भाई लोग है राहुल है लव है सस्ती है उधर टीनू है बंदर वो भी है और इधर हमारे साथ है अंकित भाई। तो अभी चलने वाले बहुत ही बेहतरीन और ख़ास जगह में तो सीधा चल के दिखाएंगे और बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और सब्सक्राइब करते रहे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बेहतरीन खूबसूरत दृश्य। तो जिसके बारे में बात कर रहे थे वहाँ हम आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे सभी भाई लोग आ चुके हैं जो कि सबका शक्ल सूरत ख़राब हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे ऊपर में चढ़ने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करना पड़ा और मुशक्क़त करना पड़ा और हम लोग आ चुके हैं और हमारे भाई लोग भी वहाँ जा चुके हैं। तो चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, इसके बाद आगे की ओर चलेंगे। तो पहले चलते हैं वहाँ पे मंदिर में, उसके बाद चलेंगे आगे की ओर। तो यहाँ का दृश्य देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर देख सकते हैं चट्टान जो काफ़ी बेहतरीन है। चट्टान का दृश्य देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया चट्टान है। और इधर हमारे राहुल भाई लोग गए हुए थे तो एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे है और मंदिर का दृश्य देखते हैं, चलते हैं आगे क्या है। तो जूता हमें यहाँ खोल लेना पड़ेगा और आएगा अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं शिवलिंग है छोटा सा और सभी तरह का है और अंदर में भी शिवलिंग है और ये है चट्टानों के बीच में जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बढ़िया भी लग रहा है। तो मंदिर का अंदर तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे महाकाल शंकर भगवान जी स्थापित है और काफ़ी बढ़िया दृश्य है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं गणेश भगवान जी है आती है हमारे और यहाँ का जो ये देख सकते हैं पत्थरों के बीच में काफ़ी बढ़िया सा डिजाइन बेहतरीन सा है और खूबसूरती देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है चारों तरफ का। और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो कि पत्थरों के बीच में है, नीचे में है और उधर हमारे भाई लोग हैं और अभी हमें चलना है उस तरफ से ना, उस सीढ़ियों से चाहे इधर से जहाँ से भी अभी जहाँ जिसके बारे में बात कर रहे थे मेन जगह वहाँ चलने वाले हैं और सभी तरफ का खूबसूरती देखेंगे क्या है क्या नहीं। और बहुत ही बढ़िया लगा के यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। बहुत दिनों के बाद आए थे, नाम भी काफ़ी ज़्यादा सुने हुए थे तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर आके। और यहाँ छोटा सा मंदिर हम लोग दर्शन कर चुके हैं और दृश्य देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन चट्टानों से बना हुआ है पूरा चारों तरफ। और अभी हम लोग चलने वाले हैं आगे की ओर और यहाँ हम लोग सब देख चुके हैं और अभी हम लोग चलेंगे आगे की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ जो रास्ता है उधर से ही हम लोग को चलना है आगे की ओर और ये अंकित भाई है जो कि बहुत ज़्यादा मदद कर दिया बाइक चला के, ये बाइक चलाते हैं और हम वीडियो बनाते हैं और हमारे भाई लोग उधर सब पीछे हैं। तो अभी चलेंगे आगे की ओर, तो चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं कहाँ, ऊपर की ओर। हाँ ऊपर की ओर। जिसके बारे में बात कर रहे थे वहाँ हम आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा दृश्य है और बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ से देख सकते हैं पीछे का दृश्य जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। और जो रास्ता है इधर है और जिसके बारे में बात कर रहे थे वहाँ हम फाइनली आ चुके हैं जो कि है बुढ़वा महादेव मंदिर जो कि बड़का गाँव में है और अभी हम लोग वहाँ पर हैं। तो आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे वहाँ पर मंदिर में दर्शन भी करेंगे चारों तरफ घूम के। और उससे पहले मंदिर में जाने से पहले कुछ दिखाना है आप लोगों को। तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे का दृश्य जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए चारों तरफ का दृश्य देखते हैं और मंदिर का भी देखते हैं और दर्शन
करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे का जो दृश्य है वो काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ही बढ़िया है, जो कि अभी हम हैं पहाड़ पे और जो मंदिर है वो पहाड़ पे ही है। और यहाँ पे जो रास्ता है देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बनाया गया है आने के लिए। और मंदिर का जो है वो फाइनली ये मंदिर है, और ये बुढ़वा महादेव मंदिर बड़का गांव पे है जो कि एक पहाड़ पे है, बहुत ही खूबसूरत और अभी मतलब बन ही रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में, बेहतरीन सा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बनाया गया है बैठने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए, तो काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे सावन के टाइम में मेला लगाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है चारों तरफ, और अभी तो यहाँ पे सन्नाटा लग रहा है लेकिन सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा भीड़ और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है क्योंकि मेला लगाया जाता है यहाँ पे स्पेशली सावन में। और मंदिर का दृश्य देख सकते हैं जो कि अभी बन रहा है, मतलब कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी अच्छा लगेगा, उसके बाद भी आएंगे तो वीडियो बनाएंगे चारों तरफ का। और अभी हमारे भाई लोग जितने भी आए हुए थे सब उधर गए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हवन के लिए बनाया गया शायद परिक्रमा करने के लिए, तो चारों तरफ अब आके परिक्रमा कर सकते हैं जो कि स्पेशली सावन के महीने में होता है। और उधर है हमारे भाई लोग जो कि बैठ के आनंद ले रहे हैं, और मंदिर का दर्शन तो हम लोग कर चुके हैं और अभी चलते हैं अपने भाई लोग के पास। बता बाबू, बुला रहा था ना। और यहाँ पे देख सकते हैं आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ से नीचे से यहाँ ऊपर से नीचे का दृश्य देख सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पूरा। तो झारखंड की खूबसूरती इन्हीं सभी में बसता है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, जो कि मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे का जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही पहाड़ बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। और इधर से भी देख सकते हैं, और यहाँ से काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में पहाड़। तो यहाँ देख सकते हैं सस्ती भाई है जो कि वन प्लस से अपने फ़ोटो को ले रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इधर हमारे अंकित भाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा फिट है और हीरो बन रहे हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे आगे की ओर, और आगे हमारे भाई लोग जा चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत सारे लोग आते भी रहते हैं, आज भी आए हुए हैं। तो ये बना हुआ है पहाड़ पे हर हर महादेव। और इधर का जो सीन है तभी हम लोग चारों तरफ घूमेंगे, चल ना इधर, तभी हम लोग चारों तरफ घूमेंगे उसके बाद चलेंगे या तो घर की ओर या तो नेक्स्ट लोकेशन की ओर। पहाड़ के ऊपर बंदे कहाँ चल गया है। तो बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो मंदिर अभी बन ही रहा है, अभी स्टार्टिंग है तो अभी बना हुआ नहीं है मंदिर। तो सभी तरफ का दृश्य, और यहाँ पे अभी तो यही है, तो जय बाबा बुढ़वा महादेव, और यही मंदिर का नाम है। और यहाँ पे देख सकते हैं बेहतरीन तरीक़ा से बनाया गया है। तो यहाँ पे शंकर भगवान हैं और काफ़ी बढ़िया है, छोटा सा मंदिर है लेकिन काफ़ी बढ़िया है सीन। और यहाँ पे बाबा जो कि है बाबा, और यहाँ पे देख सकते हैं नीम का पेड़ है, काफ़ी खूबसूरत है, बढ़िया दृश्य है और काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम लोग सब भाई लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बाबा है, तो यहाँ के बारे में बताएंगे। तो बाबा यहाँ के बारे में कुछ बताइए। बताना यही है, यहाँ पर महादेव बाबा जो हैं शंकर जी बीच में, सो ऑपलेस है, उनको कोई बैठाया नहीं है। इधर वाला जो है शिव जी, हाँ ये बैठाया गया है, उधर आनंदी बाबा बैठाए गए हैं,
यहाँ बीच में जो है शिव जी शिव स्वयं अपने से यहाँ से मुँह मांगा वरदान मिलता है, जो बोल के जाइएगा मिल जाएगा और मिल गया है, लोग बोल के गया नहीं मिल गया, आप लोग भी सोचिएगा और काम अच्छी रहेगी मिल जाएगा। और ये भगवान जब अपने से बाहर हुए थे प्रकट प्रकृति में, आज के नहीं प्रकृति से राजा के समय से पहले से, तो इनको कोई जाना नहीं तो पूजा कैसे होगा। इन्होंने राजा को सपना दिए, राजा दलन सिंह कमाख्या नारायण सिंह राजा थे सब, उनको ये सपना दिए, सपना दिए कि हम यहाँ पर हैं, आइए पूजा कीजिए धन लीजिए, यहीं का पूजा करके वो महाराजा बने हैं। और मगर राजा जो कमाख्या नारायण सिंह थे ना, यहीं से पूजा करके वो पहाड़ में उधर भी उनका मकान है। और इनका आसन एक यहाँ है एक नीचे, नीचे भी देखे हाँ। और दो इधर है छगरी गोदली पत्थर का मकान है, और एक इधर है मावा पत्थर, वहाँ शादी हुआ था। और वो पहाड़ में गुफा है कैसा, जो अमरनाथ की गुफा पाई जाती है उस प्रकार से जमीन के भीतर में पत्थर का मंदिर। उसके बाद आगे रानी दा है, वहाँ राजा की प्रथम पत्नी जाकर मर गई थी, वहाँ भी पूजा होता है। और उसका आगे यहाँ पे बना जो झरना है बताते हैं, उसका आगे बरसो पानी है, पानी गिरता है। तो इतने है देवता का आसन यहाँ पर, सिंदरी चढ़ है और यहाँ मेला लगती है सावन पूरे पूरा सावन में शिवरात्रि और शिवरात्रि मेला, मैंने मत पूछिए। तो ये दुर्गो मेला लगता है और यहाँ हमेशा 10-20 आदमी आता है पूजा करने। कुछ कुछ घटता है, लड़का नहीं है या पढ़ाया हुआ नहीं या कुछ नौकरी नहीं मिला या बिजनेस हो या लंगड़ा लुल्हा अंधरा हो कोहिया हो या अंधरा पगड़ा हो गया, उस सब चीज़ के यहाँ गच्छ होती है, गच्छ देते हैं, हमें गछाते हैं, हम यहाँ 10 बरस से हैं, गच्छ उसको पूर्ति हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तब यहाँ इनको पूजा करना होता है। तो पूजा में खसी बकरा नहीं, खुनखार नहीं, दूध दूध भी बस धूप दीप ये सब प्रसाद उनको फोटो ले लीजिए कैमरा में और आगे चर्चा चला दीजिएगा। अजय बाबा, ये जो पहाड़ है पहाड़ को भी कुछ बोला जाता है ना, मोहदी पहाड़, मोहदी पहाड़ बड़का गांव क्षेत्र हजारीबाग जिला ही पड़ गया, बड़का गांव क्षेत्र मोहदी पर्वत ब्रह्मा महादेव के नाम से ये तो ले लीजिए और प्रसाद आप लोग देते हैं खा लीजिए और कुछ मेरे लिए दान, हम यहीं पर रहते प्रसाद। यहाँ पे देख सकते हैं बाबा हमें यहाँ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी जानकारी दिए और अभी प्रसाद दे रहे हैं। और तो बाबा यहाँ प्रसाद दे रहे हैं और काफ़ी सारे मतलब जानकारियाँ हैं वो हम सभी को दिए जो कि हमें पता नहीं था, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो अपने जिसका भी जो भी मन्नत होगा वो मन्नत ले सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं, आपकी मन्नत पूरी होगी यहाँ पे। तो आप आइए यहाँ पे घूमिए और पूजा कीजिए, और शिवरात्रि में सावन में कभी भी आप आ सकते हैं और आके घूम सकते हैं और अपना जो भी मन्नत है वो मन्नत ले सकते हैं। तो प्रसाद अभी हमें मिल चुका है और अभी हम खाएंगे, फिर घूमेंगे चारों तरफ, उसके बाद चलेंगे आगे की ओर। तो बाबा ने हमें बहुत सारी जानकारी दी और यहाँ प्रसाद भी मिला हमें और हम खा चुके हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे शंकर भगवान जी है जो कि जो भी बता रहे थे बाबा। और अभी हम लोग चारों तरफ तो घूम चुके हैं, अब चलेंगे हम लोग नीचे की ओर, उसके बाद देखते हैं घर की ओर चलेंगे या तो फिर एक और लोकेशन है जो कि है आगे, तो वहाँ चलने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं नीम का जो पेड़ है वो काफ़ी बड़ा है और चारों तरफ से देख सकते हैं जो कि जो मन्नत अपनी मांगते वो यहाँ पे मांगते हैं और पूरा भी करते हैं और देख सकते हैं। तो ये है शिव जी का मंदिर
और ये है हनुमान जी का मंदिर जो कि अभी बन रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है जो कि सावन में और शिवरात्रि के टाइम में रहता है, जो कि मेला लगाया जाता है। और चारों तरफ का सीन देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत है, जंगलों के बीच घिरा हुआ है, और सब तरफ देख सकते हैं। इधर हमारे भाई लोग हैं जो साथ में आए हुए थे, और इधर भी हमारे भाई लोग हैं जो कि साथ में आए थे, और अभी हम लोग चलेंगे इस तरफ से नीचे की ओर, उसके बाद चलेंगे आगे की ओर। तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, आप आइए, अपनी मन्नत को पूरा रखिए, बोलिए कसके जय महाकाल। तो सीन देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी खूबसूरत है, और बहुत मज़ा आया हमें यहाँ आके, जो कि हम पहली बार आए हुए थे, और हमारे भाई लोग भी, अंकित भाई और हम पहली बार आए हुए थे, मतलब सभी हम लोग शायद पहली बार आए हुए थे यहाँ पे। ये प्रो है, ये आ चुका। और यहाँ से देख सकते हैं कितना बढ़िया लोकेशन है, और चारों तरफ पहाड़ 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 का सुबह टाइम, और यहाँ पे धूप जब आता होगा ना तो एक नंबर वादी दिखता होगा। और यहाँ पे चारों तरफ अभी हम लोग घूम चुके हैं, और ये भी बन ही रहा है, तो यहाँ पे जब बन जाएगा तो यहाँ पे हवन होगा और पूजा पाठ भी होगा, परिक्रमा सब होगा, तो जो कि अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो जब कंप्लीट होगा उस टाइम उसके बाद हम लोग आएंगे तो वीडियो देखेंगे करेंगे। और सावन और शिवरात्रि के टाइम पे आप आएँ यहाँ पे, मेला का आनंद लें और शंकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और अभी हम लोग चलने वाले हैं नीचे की ओर, कहाँ जाएगा अंकित? तो चलने वाले हैं नीचे घर की ओर, और यहाँ से देख सकते हैं नीचे का जो व्यू है वो काफ़ी बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए बनाया गया है ताकि आप यहाँ पे आके नीचे का व्यू देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ से, अरे वाह, तो यहाँ से देख सकते हैं नीचे का जो व्यू है वो काफ़ी बेहतरीन, और लव भाई हमारे देखने जगह हैं, पता नहीं कहाँ देखने गए लेकिन। और यहाँ से जो तालाब है छोटा सा, वो तालाब भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया लग रहा है, और खेत वगैरह सब देख सकते हैं। तो व्यू जो है वो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया देख के। तो ऊपर से हम लोग आ चुके हैं नीचे, और नीचे में भी एक हमें मिल चुका है, तो वहाँ चलने वाले हैं, राहुल भाई जा रहे हैं धीरे धीरे, तो हम भी चलेंगे वहाँ पे। और उससे पहले यहाँ का जो दृश्य देख सकते हैं ऊपर का, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान पत्थर है, और उधर हमारे राहुल भाई सब जा रहे हैं, और इधर ये भाई लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं भोलेनाथ का। तो राहुल भाई गए हैं ऊपर, अभी हम लोग भी चलने वाले हैं ऊपर की ओर, और यहाँ से देख सकते हैं जो फिसलन वाला चट्टान है वो काफ़ी बढ़िया है, और बहुत ही मज़ा आ रहा देख के, मन तो कर रहा फिसले लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं और बहुत दिक्कत है। और ये चट्टान जो देख सकते हैं, जो बड़ा सा चट्टान है, और इसके बगल में है आम का पेड़, और वहाँ हमारे भोलेनाथ है। तो चलते ऊपर, ऊपर से भी कुछ व्यू लेते हैं। तो ये देख सकते हैं चट्टान, बड़ा सा चट्टान, और अभी हमें इधर से चलना है ऊपर की ओर। तो ऊपर धीरे धीरे चलते हैं, और काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से बनाया गया है, और ये हमारे भोलेनाथ जो कि बनाया गया है और बना के रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा चट्टान है, और चट्टान के ऊपर हम लोग हैं चढ़े हुए, तो काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ का भी, और चारों तरफ का भी। और यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे छेद किए गए हैं, अब क्यों किए गए हैं ये तो पता नहीं लेकिन है, और काफ़ी। और यहाँ से देख सकते हैं नीचे का जो दृश्य है काफ़ी ज़्यादा गहरा खाए, डरावना भी लग रहा है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे, और अपनी जिम्मेदारी, और
और उधर हमारे नीचे भाई लोग हैं। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं नीचे की ओर, काफ़ी बढ़िया सब जगह। तो वहाँ से भी हम लोग कुछ नीचे आ चुके हैं, फाइनली बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। और नीचे भी हमें मिल चुका है छोटा सा मंदिर, जो कि अभी चलेंगे दर्शन करेंगे। तो चलिए देखते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये देख सकते हैं काली माँ का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है और बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से बनाया गया है। और यहाँ पे बलि वगैरह शायद दी जाती है। तो छोटा सा मंदिर है काली माँ का। और चलते हैं, यहाँ तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी हम लोग चलते हैं आगे की ओर भाई लोग के साथ। तो बुढ़वा महादेव मंदिर से हम लोग आ चुके हैं आगे और हमारा टाइम नहीं बचा, इसके चलते हम लोग जो झरना था वहाँ जा नहीं पाए। और फिर कभी आते हैं तो वहाँ झरना चलेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहे लगभग 3 प्लस हो रहे हैं और घर हमारा यहाँ से लगभग कितना, कम से कम 25 से 30 किलोमीटर हमारा घर है। और 3 बज चुका है, 3 प्लस है, तो जाने में भी टाइम लगेगा हम लोगों को, काफ़ी ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है। और घर जाने से पहले देख सकते हैं जहाँ हम खड़े हैं अभी, वहाँ नदी है और नदी का जो सीन है वो काफ़ी बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। और छठ पूजा का भी टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा सजावट भी चल रहा है, जो कि छठ पूजा का टाइम में देखने को मिलेगा आप सभी को, हम लोगों को भी। और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई, अच्छे से मनाएँ, फैमिली के साथ मनाएँ और बहुत बढ़िया तरीके से मनाएँ। और अभी हम लोग चलते हैं घर, वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं, मिलते हैं नए वीडियो में, नए लोकेशन के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खाते पीते रहे और अपने माता पिता से और भारत माता से प्यार करते रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।